Hello friends, good evening. Today we will continue our previous chapter that is going on factorization of polynomials. हम लोग polynomials में क्या कर रहे थे? हमने सबसे पहले type 1 देखा, factorization कर रहे थे. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे? Polynomials में factorization कर रहे थे. और factorization में भी हम लोग क्या कर रहे थे? फैक्टराइजेशन में हम लोग टाइप देखे थे. टाइप वन हमने क्या देखा? टाइप वन देखे थे कि हम लोग क्या किए थे, कॉमन जो निकाले थे, कॉमन मेथड से, कॉमन जो हमको आउट करना था, कॉमन फैक्टर जो निकालना था, उस मेथड का इस्तेमाल किए. टाइप टू में हम क्या देखे? टाइप टू में हम ये देखे कि हम फैक्टर थ्योरम का इसमें किस तरह से यूज करते हैं. टाइप थ्री हम लोग का चल रहा था. टाइप थ्री में क्या था? टाइप थ्री में क्या था आपका? सॉरी, ये ग्रुपिंग वाला था, ये भी आपका खत्म हो गया था. ग्रुपिंग मेथड जो था आपका, फैक्टराइजेशन ऑफ ग्रुपिंग्स, ग्रुपिंग बाय फैक्टराइजेशन. ठीक है, और थर्ड आपका फोर्थ पॉइंट क्या था आपका? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो हम लोग का ये फोर टॉपिक चल रहा था. ठीक है, कल हमने बहुत सारा देखा, कल हमने बहुत सारे आपका इसमें क्वेश्चंस देखे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म में. आज हम क्या देखेंगे? आज हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है. एंड आफ्टर दैट हम लोग टाइप सिक्स में चले जाएंगे. तो हम लोग क्या में चल रहे हैं? टाइप फोर में चल रहे हैं. टाइप फोर में, हाँ, इसमें क्या था हम लोग का? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम टाइप फाइव में मूव करेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन. अब हम इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या मिलेगा? सेवन. सेवन का फैक्टराइजेशन क्या होता है? वन इंटू सेवन. सेवन एक क्या है? प्राइम नंबर है, तो वन इंटू सेवन होगा. अब हम इससे सिक्स क्या बनाएंगे? हमको ये मैग्नीट्यूड का यूज करके, हमारे पास ये नंबर को यूज करके हमको मैग्नीट्यूड में क्या बनाना है? सिक्स बनाना है. तो ईजी है, आपका सेवन माइनस वन क्या होता है? सिक्स हो जाता है. तो क्या करेंगे? प्लस सेवन एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा, सिक्स एक्स. अब यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? एक्स प्लस सेवन. यहाँ पे माइनस वन कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? एक्स प्लस सेवन. यानी कि एक मेरे को मिल रहा है वन एक्स माइनस वन, दूसरा मेरे को क्या मिल रहा है? एक्स प्लस सेवन. ये दोनों क्या हो गया? फैक्टर हो गया. वी विल सी दीज आर फैक्टर्स ऑफ व्हाट? दिस नंबर एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस सेवन इज फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू. एक्चुअली ये टर्म थोड़ा सा टिपिकल होता है. अगर ये समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा टिपिकल होता है, अदरवाइज अगर ये समझ में आए तो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन एक्स सेवन. अब क्या होगा? हम इसको क्या करेंगे? बीच वाले को स्प्लिट करेंगे. सेवन को सेवन इंटू वन में कर सकते हैं. तो अब मेरे पास सेवन नंबर है, एक मेरे पास वन नंबर है. अब हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस का सेवन एक्स, माइनस का एक्स प्लस सेवन. क्यों हम यहाँ पे माइनस माइनस किए? ताकि मेरा प्लस होके क्या मिल जाए? मुझे एट मिल जाए. एक्स हम कॉमन करें तो क्या मिलेगा? एक्स माइनस सेवन. यहाँ पे एक्स कॉमन करें तो क्या मिलेगा? माइनस रखते हैं तो क्या मिल जाएगा? x माइनस सेवन. एक नंबर मेरे को मिल गया x माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? वन होगा. तब तो मेरा क्या हो जाएगा? माइनस वन कॉमन करेंगे तो x माइनस सेवन. एक्स माइनस क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा. और एक आपका हो जाएगा x माइनस सेवन हो जाएगा. तो ये दो फैक्टर्स किसके हो गए? इस नंबर के ये दो फैक्टर्स हो गए. x माइनस वन और x माइनस सेवन किसके फैक्टर्स हो गए? एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन है. इफ यू वॉन्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्या है आपका? ये टू नंबर क्वेश्चन हो गए. ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन थ्री नंबर क्वेश्चन. थ्री नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? वन वन माइनस एटीन वाई माइनस सिक्सटी थ्री वाई स्क्वायर. क्लियर? अब इसमें क्या है? अब इसमें हम देख रहे हैं कि मेरा अरेंज नहीं. हम अरेंज करेंगे माइनस सिक्सटी थ्री वाई स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे, अगेन माइनस 18y
और ये प्लस का वन हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, हम देख रहे हैं कि हम इसमें से आपका 63 को क्या करना होगा, मुझे 63 को फैक्टराइज करना होगा, किससे होगा, 3 से करते हैं, 3 1 3 7, यानी कि मुझे नंबर्स क्या क्या है, 3 3 और 6, इसको हम 18 किस तरह से बना सकते हैं, तो 18 बनाने के लिए हम देख रहे हैं 3 into 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 और 7 क्या होता है, ये 18 तो नहीं होगा कभी भी। नेक्स्ट हम और क्या देख रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं, 7 3 21, 21 हो जाएगा, 21 minus 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 21 minus 3 18 हो जाएगा, तो -63y स्क्वायर करते हैं, और क्या करेंगे, माइनस का 21y + 3y + 1, क्लियर। अब यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं आपका 21 को कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 21y को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा मेरे को अंदर में, आएगा 3 हो जाएगा, और क्या मिलेगा, 3y मिलेगा प्लस 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस 1 करते हैं तो 3y + 1, यानी कि आपको क्या क्या मिल रहा है, आपका 1 मिल रहा है आपका 1 minus 21y, और दूसरा क्या मिल रहा है, 3y + 1, क्या हो गया, ये फैक्टर्स हो गया, किसका फैक्टर्स हो गया, इसका आपका फैक्टर्स हो गया, क्लियर। अब आप क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, देखते हैं 4 में क्या है, 2x² + 5x - 19 + 18, ये क्या आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये आपके फॉर्मेट में नहीं है, क्या देख रहे हैं, ये मेरे फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक चीज कॉमन है, 2x² + 5x, यहां भी क्या है, 2x² + 5x, हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ भी, सपोज इसको हम क्या मान लें, लेट 2x² + 5x = आपका क्या मान सकते हैं, y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा टर्म y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y - 19, ठीक है, प्लस का 84, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y² यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 19y, और ये प्लस का 84। अब आप क्या कर सकते हैं, 84 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 84 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 4 2 2 2 1 3 7, ठीक है। अब आप इस नंबर से किस तरीके से आप 19 बना सकते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, 7 3 21, ठीक है, 21, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 21 - 4 आपका कितना आ जाता है, ये तो कभी भी आपको क्या देगा, 19 नहीं देगा। नेक्स्ट आप और क्या कर सकते हैं, अब आप और क्या कर सकते हैं, इसको 19 को स्प्लिट करने के लिए, ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 3 12 12 + 7 19 हो जाएगा, हमें मिल गया एक नंबर, क्या मिल गया, 2 into 2 into 3 क्या हो जाएगा, 12 और 7 क्या हो जाता है, 19 हो जाता है, हमें नंबर्स मिल गया, y² - क्या हो जाएगा, 12y - 7y + 84, क्लियर। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे, y को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, y - क्या हो जाएगा, 12, इसमें क्या हो जाएगा, 7 को कॉमन लेते हैं, क्या मिलेगा, -7 को लेते तो क्या मिलेगा, y - कितना सा होता है, 12 84, हमें नंबर्स मिल गया y - 7, एक और नंबर मिल गया y - 12, ये क्या हो गया, ये आपका फैक्टर आ गया, लेकिन ये फाइनल नहीं आया, क्योंकि हम लोग क्या किए, लेट किए y को, हम लोग एज्यूम किए हैं 2x² + 5x, अब हमको क्या करना होगा, इसका वैल्यू इसमें पुट करना होगा, तो y का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, क्या मिलेगा, putting value of
by we have y का वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y के जगह पे हम क्या रखें, 2x² + 5x - 7, ठीक है। दूसरे जगह क्या मेरे को मिलेगा, 2x² + 5x - 12। नंबर्स मिल गया, 2x² + 5x - 7, दूसरा नंबर 2x² + 5x - 12, ठीक है। तो क्या मिल गया, दिस इज आवर फाइनल फैक्टराइजेशन। ये किसका फैक्टराइजेशन है, क्वेश्चन नंबर किसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 करेंगे, ये मेरा 4 नंबर था, अब हम क्या करेंगे 5 नंबर करेंगे। ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एक्चुअली, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मतलब चीजें समझ में आएंगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4 2a - 3² - 3 2a - 3 मल्टीप्लाई में है a - 1 - 7 a - 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास देख रहे हैं दो वैल्यूज दिख रहा है कॉमन, एक है 2a - 3, यहाँ भी 2a - 3, यहाँ पे देख रहे हैं a - 1, यहाँ भी देख रहे हैं a - 1। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमारे पास लगभग दो चीज है जो चीज कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट हम लोग इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं, एक्स एज्यूम करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2a - 3, ठीक है। एंड y को क्या एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, a - 1 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 के साथ क्या लेंगे, इसको हम क्या माने, x माने, तो x स्क्वायर हो गया, माइनस 3 इसको हम क्या माने, x माने, इसको हम क्या माने, y माने, माइनस 7 इंटू अब ये क्या है, y स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास बीच में क्या मिला, 3xy, और इधर मिला मेरे को माइनस का 7y². अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को बीच में स्प्लिट करना पड़ेगा। 7 4 20 28 को किसमें किसमें स्प्लिट कर सकते हैं, 1 4 2 7। 3 कैसे आएगा, इधर 4 हो गया, इधर 7 हो गया, 7 - 2 4 क्या होता है, 3 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये तो 4² हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, 7xy + 4xy - 7y² क्लियर। क्या हो गया ना, अब हम लोग क्या करते, कॉमन करते, इनमें कॉमन क्या आएगा, आपका x बस कॉमन है, एक x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 4x - 7y, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें y कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचा, 4x, ये आपका प्लस में है, -7y। क्या देख रहे हैं, ये और ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, हमें मिल गया क्या मिला, x प्लस y हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4x - 7y मिल गया। लेकिन क्या ये मेरा आंसर है, नहीं, क्योंकि अगर हम लोग कभी भी एज्यूम करते हैं ना कोई नंबर्स को, तो मैं वापस से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तब जाके मुझे ओरिजिनल वैल्यू मिलता है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, x के जगह पे क्या रखेंगे, 2a - 3 2a - 3, y के जगह पे क्या रखेंगे, a - 1 + a - 1, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पे क्या कर सकते हैं, x x की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2a - 3 - 7, y की जगह पे क्या रख सकते हैं, a - 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2a + a क्या हो जाएगा, 3a, ये क्या हो जाएगा, माइनस
माइनस माइनस प्लस, माइनस फोर थ्री माइनस फोर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यह आप फोर ही रखें, टू ए माइनस थ्री माइनस सेवन ए माइनस वन, ठीक है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे तो जगह ही नहीं है, अदरवाइज इतना में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप आगे भी अगर खींचेगा तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 टू जो 8 है माइनस 4 थ्री जो 12, ठीक है। अगेन माइनस का साइन है, माइनस 7 है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस का 4, 8a माइनस 7 ये क्या हो गया, a हो गया, और इतना 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, माइनस का 5। आपको ये क्या मिल गया, आंसर मिल गया, क्या हो गया आपका, फैक्टर्स हो गया। किसका फैक्टर्स हो गया, इस क्वेश्चन का फैक्टर्स हो गया, क्लियर। हम इतना तो पहुंचाने के बाद ही छोड़ेंगे, उसके पहले नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब कि हम एक्स वाई के टर्म पे नहीं छोड़ा जा सकता है, हम जब तक ए के टर्म में नहीं, अगर क्वेश्चन ए के टर्म में है, देखिए यहाँ पे भी ए है, यहाँ भी ए है, तो हमें लास्ट तक मुझे आंसर भी उसी में आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है एक्चुअली, इससे टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट ही थोड़ा सा टफ होता है, बाकी कुछ भी टाइप आपका टफ नहीं होता है, यही थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से किया जाए तो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग होता है ना, यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपका नेक्स्ट क्या, 6 नंबर, ये हम लोग लास्ट कर रहे हैं इस टाइप का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप टाइप आई थिंक 4 में जब 5 में चले जाएंगे, ये मेरा 4 टाइप था, हाँ 5 टाइप में चले जाएंगे, हाँ। x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 20y माइनस 6y स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये हम देख रहे हैं, ये मेरा x प्लस 4 का स्क्वायर, अब इसको मान तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेरा x प्लस 4 नहीं है, तो हम इसको x प्लस 4 बनाएंगे, कैसे, x प्लस 4 का स्क्वायर की माइनस, कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हम 5 कॉमन ले सकते हैं और y कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 6y स्क्वायर को रख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं मेरा ये टर्म और ये टर्म तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म तो कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, सपोज लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 मान लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, जेड का स्क्वायर माइनस 5yz माइनस 6y स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो 6 को हम किसमें किसमें तोड़ सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 1, यानी कि एक 6 है और एक 1 नंबर है, हम इसमें ही क्यों तोड़े, क्योंकि मुझे 5 बनाना है, तो 5 कब बनेगा, जब 6 माइनस 1 होगा, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 6yz प्लस yz, बड़ा के पहले माइनस, क्योंकि मेरे को क्या लाना, माइनस लेके आना है, माइनस 6y स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, जेड कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, जेड माइनस 6y, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका, वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जेड माइनस 6y, ठीक है। तो मिल गया मुझे, एक हो गया जेड प्लस वाई, नेक्स्ट हो गया आपका जेड माइनस 6y, ठीक है। तो दो वैल्यू आपको मिल गया, वेट चौक खत्म हो गया, तो आपको एक ये वैल्यू मिल गया, एक ये वैल्यू मिल गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जेड का वैल्यू जो आप लिए थे उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, जेड की जगह पे आप क्या लेंगे, एक्स प्लस 4 लेंगे, एक्स प्लस 4 प्लस वाई, और यहाँ पे भी जेड की जगह पे एक्स प्लस 4 लेंगे माइनस 6y, तो आ गया ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया फैक्टर। आप कॉन्स्टेंट टर्म को साइड में लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस 4, ये तरीका होता है बस लिखने का, आंसर यहाँ भी सही है, ठीक है, ये तरीका होता है, थोड़ा सा अच्छा से हम लोग को लिखना रहता है, माइनस 6y प्लस 4, अच्छा से इन सेंस की मैनर्स में, ऑब्वियसली ए के
बाद जैसे बी लिखते हैं ना, तो मेरा क्या है मतलब वो मेरा सीरीज है, उसी तरीके से हमें कोशिश करना चाहिए कि यहाँ भी मतलब हम जैसे कि मेरा वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म है तो पहले वेरिएबल टर्म ले फिर लास्ट में हम कॉन्स्टेंट टर्म को ले, तो जस्ट थोड़ा सा अच्छा दिखता है, इम्पैक्ट अच्छा लगता है, ठीक है। नथिंग इज क्वेश्चन आंसर यहाँ भी सही है यहाँ भी सही। नेक्स्ट ये मेरा क्या हो गया आपका सिक्स नंबर तक लास्ट हो गया, तो ये खत्म हुआ, मतलब मैं अभी इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यहाँ पे ही रोक रही हूँ क्योंकि अगर हम इसके ऊपर और क्वेश्चन करें तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट हमको लगता है मेन मेन सारा क्वेश्चन जो भी है, कल भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आज भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो लगभग सारे क्वेश्चन मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैंने सारे कवर किए हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग टाइप का टाइप ये फोर था ना, हाँ फोर टाइप था, अब हम लोग टाइप फाइव का सीधा मूव करेंगे। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये क्या है नेक्स्ट मेरा टाइप फाइव आ जाता है, ठीक है, टाइप नंबर फाइव आ जाता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जिसके बेसिस पे मेरा सारा क्या सारा फैक्टराइजेशन प्रोसेस होगा। हम जब तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा, पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं सारा जो भी है, उसी को हम क्या बोलेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये मेरा क्या है टाइप फाइव है। इसको हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम फैक्टराइजेशन का मेरा जो प्रोसेस है ये मेरा इजी हो जाए, ठीक है। तो सबसे फास्ट है आपका ये नोन होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अब हम लोग अगर इसको प्रूफ करें ना तो बहुत ही इजीली प्रूफ कर सकते हैं। सपोज हम इसको प्रूफ करके मैं दिखाते हैं, वैसे तो बस इसको याद रखना है कि इसका ये होता है, ठीक है। तो अब हम इसे प्रूफ करें, जैसे कि a प्लस बी और a प्लस बी दो बार है तो हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इधर वाला को लेके चलते हैं LHS को, तो क्या हो जाएगा ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ए बी हो जाएगा प्लस का, बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए बी और ये फिर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये मेरा RHS आ गया, RHS आ गया, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये मेरा फॉर्मूला नंबर वन हो गया, यानी कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नंबर वन। नेक्स्ट अगर हम लोग ए माइनस टू नंबर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, हम एल एच एस को लेके जा रहे हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा ए स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस का ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस का ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। प्रूफ हो गया, ये मेरा क्या हो गया आर एच एस, ये इक्वल टू इतना है, तो ये हम लोग का क्या हो गया फॉर्मूला नंबर टू। नेक्स्ट जब हम थ्री नंबर करेंगे तो इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम लोग उसको भी प्रूफ कर सकते हैं बहुत इजीली, अगर आप लोग चाहें तो ट्राई कीजिए, मैं करके दिखाती हूं। तो अगर ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ये से मल्टीप्लाई हो प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि मेरा क्या है ये है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट अगर हम फोर नंबर पे जाएं तो मेरा स्क्वायर का ही खत्म होता है, नॉर्मली मुझे थ्री फॉर्मूलाज ही स्क्वायर में पढ़ना होता है, अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो मेरा क्यूब के टर्म में आएगा, जैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, क्लियर। हम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी ये प्रूफ कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिए, बहुत इजी है, इसको तीन बार मल्टीप्लाई करके भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बस इनको ध्यान रखना है कि इसका ये फॉर्मूला होता है, कहीं भी अगर इस टाइप का टर्म क्वेश्चन आए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट
नंबर में क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब यहां पे माइनस का बी क्यूब हो जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, अब माइनस का थ्री ए स्क्वायर बी प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें क्या होता है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान दीजिए ये सेपरेट सेपरेट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी और अंदर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेवन नंबर में क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आपका, यहाँ पे आपका सॉरी, ये आपका प्लस में नहीं, ये आपका माइनस में रहेगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एक और है आपका एट नंबर, इसमें क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हम चाहे तो इसको इजीली क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, सपोज एक करके ही दिखाते हैं इसको। अगर हम इसको दो बार मल्टीप्लाई करें a प्लस बी प्लस सी, यहां भी a प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ये से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए बी, अगेन ए से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी, ए आपका तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी आपका तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर सी आपका तीनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, अगेन सी अब होगा तो ए सी प्लस ए बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी आपका दो है, ए सी आपका क्या है दो है और बी सी आपका क्या है दो है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। तो ये क्या आ गया, ये मेरा आर एच एस आ गया, तो क्या हो गया प्रूफ हो गया, क्लियर। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, डू सम न्यूमेरिकल्स, यू वॉन्ट टेक अ स्क्रीन शॉट। नेक्स्ट क्या है, कुछ क्वेश्चन है किसके ऊपर, आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 47 देन एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये मेरा स्क्वायर के टर्म में, ठीक है, ये मेरा स्क्वायर के टर्म में, उधर मेरा क्या है, मेरा x प्लस वन बाई एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, हम इसका होल स्क्वायर करके देखते हैं। सबसे पहले अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए क्या है x, b क्या है वन बाई एक्स प्लस आपका वन बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम क्या देख रहे हैं, ये एक्स और ये एक्स तो क्या हो रहा है कट जा रहा है, हमें मिल कितना रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को क्या है, मेरे को पता है कि ये एक्स स्क्वायर ये टू आपका इस साइड अगर आ जाएगा तो ये माइनस टू हो जाएगा, यानी कि आपको मिल क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू।
माइनस टू हम इधर ही रखते हैं, प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप 47 पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, 47 पुट कर सकते हैं। अगर आप 47 पुट कर देते हैं, प्लस आपका क्या है, 2 है, ठीक है, प्लस क्या है, 2 है, आपको फाइंड आउट क्या करना था, इसका ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस साइड आपका क्या है, इस साइड तो आपका क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये आपका 49 हो जा रहा, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आपका क्या हो जा रहा, 49 हो जा रहा, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जा रहा। ये स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आ जा रहा, मेरा 7 आ जा रहा, क्लियर। इसी तरह से सॉल्व करना है, उसको रफ कर, नेक्स्ट क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग क्या किए, यहाँ पे x प्लस 1/x क्या है, 7 है, और मेरे को निकालना क्या है, x क्यूब प्लस 1/x³ और स्क्वायर भी निकालना है, एक्स स्क्वायर बाई प्लस 1/x². सबसे पहले तो हम देख रहे हैं x प्लस 1/x क्या है, इसका x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या बन रहा है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, हमें क्या पता चलेगा, ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 × x इंटू 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये x कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 49 माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 47, यानी कि जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 47 हो जाएगा, ठीक है, 47 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है नेक्स्ट, आपको क्यूब भी निकालना है, क्यूब भी निकालना है। हम देखेंगे क्यूब कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे एक्स प्लस 1/x मेरे क्वेश्चन में, जो चीज मुझे निकालना है वो करना, अगर स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब निकालना है तो क्यूब करेंगे। लिखेंगे क्यूब, सॉरी x प्लस 1/x, इसको क्यूब किए इज इक्वल टू 7 का क्यूब किए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये मेरा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब में क्या है, 1/x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 × a² यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 1/x, 3 × a² प्लस इंटू बी होता है, प्लस 3 × x 1/x², ठीक है। ये फॉर्मूला किसका, इसका हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब, 7 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब मेरे को क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ठीक है, प्लस ये स्क्वायर ये x, x कट गया तो क्या बचा, 3x बचा, प्लस ये x और ये x कट गया तो क्या बचा, 3/x बचा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 जा 49 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 63 कैरी 6 7 × 8 = 30 34 343। ठीक है, 343। अब हम क्या देख रहे हैं कि मेरे को क्या मिल रहा है, x³ + 1/x³ इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, इसमें अगर हम 3 को कॉमन करेंगे, 3 को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू 343। अब x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है क्या, x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, 7 है, हम यहाँ पे 7 पुट कर सकते हैं, क्या मिलेगा, एक्स क्यूब 1/x का क्यूब प्लस 3 × 7 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है, 7 है, 7 × 3 = 21 प्लस का 21 इज इक्वल टू 343, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, अभी 21 को हम उस साइड लेके जाएंगे,
क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 343 - 21। क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 से 1 2 2 से 2 3 2 2। ये 3 2 2 किसका आंसर है, ये आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा कितना बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है, 4। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में क्या 4 इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो हमें तो पता है कि मेरे पास 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 का तो है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4 ही हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी हैव क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड का स्क्वायर करना होगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × x × 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये जो 2 है प्लस का 2 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यानी कि क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। क्लियर, अब हम क्या देख रहे हैं कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछा, एक्स के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4, फिर से स्क्वायर कर रहे इधर भी और इधर भी, तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर यानी कि x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर के पावर में स्क्वायर प्लस 2 × a यानी कि x स्क्वायर × b यानी कि 1/x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, ऊपर तो रफ करना होगा, ये x square कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको रफ करना, सबसे पहले 14 का स्क्वायर कर लेते हैं, 6 का 6 196, तो क्या हो जाएगा, x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4, ये क्या कितना हो जाएगा, 196 माइनस ये जो 2 है इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 2, एक्स के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4 इज इक्वल टू 194। ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर किस चीज का, ये x के पावर में 4 और ये 1/x के पावर में जो 4 पूछा। ठीक है, अगर किसी का भी पावर 4 आ जाए तो इतना घबराना नहीं है, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। ठीक है, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट हम लोग 103 का क्यूब देखते हैं। तो हमें पता है कि ये तो हम लोग नॉर्मली 103 का आराम से क्यूब कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 × 3 × 1 × 3 जो भी आएगा उसको अगेन इंटू करेंगे 103 से, तो बहुत क्या हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं करता है। तो हम लोग आइडेंटिटीज का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपना इक्वेशन जो भी बका मल्टीप्लीकेशन या जो हम लोग का मतलब जो सॉल्यूशन प्रोसेस होता है उसका जो उसको कैलकुलेशन में भी हम लोग का ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो हमको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 कर सकते हैं का क्यूब, 100 + 3 का क्यूब कर दी,
अब मेरा ये क्या बन गया, ए बन गया, ये मेरा क्या बन गया, बी बन गया, सॉरी ये ए ये बी कुछ और ही बन गया था ना, ये ए है और ये बी है। अब ए और बी को कैसे सॉल्व करें, ए प्लस बी, अब हमको पता है क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए का क्यूब सीधा हम 100 का क्यूब कर देते हैं प्लस बी का क्यूब होता है यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए होता है यानी कि 100 इंटू बी होता है, ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर और बी होता है यानी कि 3 अगेन 3 इंटू ए इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो क्यों हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्यूब क्या होता है मेरा 60 हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर डबल जीरो है ऑलरेडी, फिर डबल जीरो अगेन फिर डबल जीरो आ जाएगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 27 क्योंकि 3 का क्यूब तो मुझे ऑलरेडी पता है, मतलब इतने तो समझदार है आप लोग। उसके बाद क्या होगा, ये 100 क्या हो जाएगा आपका 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 100 में 40 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 × 3 = 27 और ये 100 का डबल जीरो आ जाएगा, क्लियर। अब क्या होगा, हमको हाँ, और कुछ करना ही है, सिंपली ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर आपका 7 इधर आपका 2 उसके बाद आपका फिर 7 2 ये गया बचा अब 9 9 0 1 ये किसका आंसर आ गया, आपको 103 का आंसर आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करके देखना चाहें तो हम प्रूफ के लिए सॉल्व भी करवा देते हैं कि सही आया कि नहीं, 3 3 9 0 3 × 0 0 0 × 3 0 1 क्या आ जाएगा 9 0 3 3 6 0 1, ठीक है। अब अगेन हम 1 0 6 0 9 को क्या करेंगे 103 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 कैरी 2, 3 0 0 और 2, 6 3 18 का 8 कैरी 1 0 और 1 3 × 0 0 0 0 0, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 9 0 6 0 1 क्या हो जाएगा लास्ट में, ये तो हो जाएगा 7 2 ये हो जाएगा 7 × 7 कैरी 2 6 9 0 1 आ गया 1092727 मेरा यहाँ भी है 1092727 तो मेरा क्या है आंसर सही है, ठीक है। अब हम क्या करें क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, आई होप समझ में आ रही है चीजें, ठीक है, उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी इजी होती है आइडेंटिटीज को अगर आपको याद रहे, जितने भी आइडेंटिटीज बताए हैं सारे के सारे याद करने हैं, मतलब बस कॉपी में सजा के लिखना नहीं है बस उसको याद भी करना है, ठीक है। तो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 999 होल क्यूब। अब हम तो समझदार हो गए ना, हम लोग समझदार हो गए, हमें पता है कि हम डायरेक्टली हम लोग 999 को मल्टीप्लाई करने जाएंगे जो बहुत टाइम लगेगा, हम नहीं करेंगे, हमें क्या करेंगे हमें तो याद है आइडेंटिटीज, तो हम क्या करेंगे उसको यूज करेंगे, क्या कर सकते हैं 1000 - 1 कर सकते हैं, इजी होगा ना 1000 का, क्योंकि हमें कैलकुलेशन क्या होता है 1/0 हो 40 हो 50 कैलकुलेशन 1/0 का हमेशा से इजी हुआ है सदियों से, ठीक है। 1000 - 1 का क्यूब, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा माइनस, अब मेरे को पता है ए माइनस बी का होल क्यूब करना है, ठीक है होल क्यूब, तो हमें पता है कि अब ये माइनस का होगा और वन का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे और क्या पता है, हमें नेक्स्ट क्या का साइन लेना है, नेक्स्ट आपका फिर से माइनस का साइन रहेगा 3 × ए का आपका स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर इंटू 1 मतलब इंटू बी होता है प्लस 3 × 1000 हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर क्यूब है तो मतलब क्या हो जाएगा 1/30। नेक्स्ट क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना जीरो होगा 9 0 3 3 के जोड़े में 3 बार, ठीक है माइनस 1 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है माइनस, ये क्या हो जाएगा 3/1
सिक्स जीरो, 3 जीरो है और 3 जीरो ऐड करना है क्योंकि स्क्वायर है, प्लस ये 3/3 जीरो, क्लियर। अब हमको क्या करना है, ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे इससे 1/0000005 जीरो, उसके बाद 3000 को जब ऐड करेंगे इतना आ जाएगा माइनस, अभी ये दोनों माइनस माइनस है, दोनों को ऐड कर देंगे 3000001, क्लियर। अब हमको क्या करना है, इससे इसको माइनस करना है, ठीक है, इससे इसको माइनस करना, ऊपर करके देखते हैं वरना पता चला नीचे कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। 3000 हो गया, अब इसको माइनस करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मान इसमें 0 0 कितना लगाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 3, ठीक है, माइनस करना, क्या हो जाएगा इधर 9 हो जाएगा, ठीक है, इसमें से कैरी ये भी 9 हो जाएगा, इसमें से कैरी ये भी 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इससे कैरी 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आपको क्या मिल गया 997002 और फिर 999, ये क्या हो जाएगा आंसर, किस चीज का आंसर आपका, किस चीज का आंसर हो गया वो 1999 आपका 999 का क्यूब का आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं और चाहे तो कैलकुलेटर में टाइप करके भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आपको इतना ही आंसर मिलेगा, एग्जाम्स के लिए है, ठीक है ना, एग्जाम्स में कैलकुलेटर लेके बैठने नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, कैलकुलेशन काफी इजी हो गया इस प्रोसेस के थ्रू, कुछ भी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करना था हम लोग को, सिंपली माइनस करना था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है मेरा, x प्लस y इज इक्वल टू 3, ठीक है, और क्या बोला गया, x y इज इक्वल टू माइनस का 18, ठीक है, हमको बोला गया x क्यूब प्लस y क्यूब फाइंड आउट करना, x क्यूब और y क्यूब फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, 1 प्लस y का क्यूब, तो हमको ये 3 का भी क्यूब करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमको क्यों क्या करना है, क्यूब करना है, हम क्या देख रहे हैं, ये मेरा आ जाएगा x क्यूब, ये मेरा आ जाएगा y क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27। अब मुझे क्या मिल रहा है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 3 एक्स वाई को कॉमन ले सकते हैं, 3 एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें x इसमें y इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, हमें तो ये फाइंड आउट ही करना है x क्यूब और y क्यूब को, इसमें 3 एक्स वाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, 3 इंटू एक्स वाई की जगह पे माइनस 18 मेरा दिया हुआ है, और यहाँ x प्लस वाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, क्वेश्चन में है 3 रख दिए इज इक्वल टू 27, ये क्या हो गया x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस, ये क्या होगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देगा 18 इंटू 3 और इंटू यहाँ पे 3, 3 3 इज 9, यानी कि 9 इंटू 18 कितना हो जाएगा 22 कैरी 7 9 10 11 12 13 14 15 16 162 माइनस का इज इक्वल टू 27, ठीक है। जब हम इधर फाइंड आउट करेंगे x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू कितना 27, ये जो माइनस का 162 है ये उस साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 162, क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू ऐड कर देंगे 729678 और 189, तो आपको क्या मिल गया आंसर, ये पूछा गया था एक्स क्यूब और वाई क्यूब, तो आपको क्या मिल गया 189, दिस इज आवर आंसर। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।
इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या है, हम लोग इस तरह से और आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। सपोज अगर कैलकुलेशन में यूज किया जा सकता है, जैसे कि आपका सपोज 105 रहता है, मल्टीप्लाई करना है आपको इसको किससे, 95 से। तो ये क्या है, काफी टफ हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना काफी टाइम वेस्ट होगा। हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, 100+5। बेस जो है ना वो ऐसा लेना है कि वो मेरा इजीली मल्टीप्लाई हो सके, मतलब कि वो इजीली कैलकुलेट हो सके, जैसे 100, 1000, 10, 10,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 - 5। अब हम देख रहे हैं ये मेरा डायरेक्टली फॉर्मूला में आ गया, कौन सा फॉर्मूला है, a+b (a - b) क्या हो जाता है, a² - b² क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली आप कर सकते हैं 100² + 5² क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10,000 प्लस ये आपका हो जाएगा 25, सॉरी ये माइनस का साइन होगा, पीछे माइनस का साइन होगा, a² - b² होता है। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 5, 7, 9 आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आप डायरेक्टली क्या किया, फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करना था आपको समझ में आ गया जब आप इतना दूर पहुंचे तो, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपका बोला जाए 105 × 105 करना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 100 + 5 × 100 + 5 देख के ही समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला है, a+b² ठीक है। हम लोग डायरेक्टली a+b² कर देते हैं, फॉर्मूला में ले आते हैं, क्या हो जाएगा, 100² + 5² + 2 × a × b ये क्या हो जाएगा, 1/40 + ये 25 हो जाएगा, प्लस 5 × 2 = 10 हो जाएगा, उसके अपॉन 20, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 25 और ये 0, 0, 0 फिर अगेन 1, 1, ठीक है, अगेन 0, 1, ठीक है, हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया, चाहे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस बहुत इजीली हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करके बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। सो आज हम इतने दूर रखते हैं, टुमारो हम लोग इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और भी आइडेंटिटीज जितने हैं सारे को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपका जितने भी आपको क्वेश्चंस बनेंगे इसमें क्लियर किया जाएगा। फॉर टुडे इतना ही रखते हैं, थैंक यू।